ఆంధ్రాలో గుండాగిరిని అంతం చేయడానికే భాజపా తెలుగుదేశం జనసేన కూటమిగా ఏర్పడ్డాయని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన మాట్లాడారు. జగన్ నేతృత్వంలోని అవినీతి ప్రభుత్వాన్ని దించడానికే కూటమిగా ఏర్పడ్డామని ప్రకటించారు. భారతీయ జనతా పార్టీ, జనసేన और तेलुगु देशम पार्टी संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार, अपराध, माफिया और कन्वर्जन के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. मैं ये लड़ाई को ताकत देने के लिए यहां आया हूं. आंध्र प्रदेश से एक गुंडागर्दी और अपराध को समाप्त करने के लिए अलायंस किए हैं. आंध्र प्रदेश से रैम्पर करप्शन को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है. आंध्र प्रदेश से लैंड माफियाओं को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है. आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को फिर से राजधानी बनाने के लिए अलायंस किया है. भगवान तिरुपति बालाजी की पवित्रता को फिर से प्रस्थापित करने के लिए अलायंस किया है. तेलुगु भाषा को बचाने के लिए हमारा अलायंस हुआ है. ये जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त करकर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है. जगन बाबू कान खोलकर सुन लो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम तेलुगु भाषा को समाप्त नहीं होने देंगे. पोल्लावरम पूरे आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन है, परंतु जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोल्लावरम प्रोजेक्ट को लगभग लगभग डिले डिरेल कर दिया है. भाई और बहनों, मैं आपको एक मोदी गारंटी कहने आया हूं. आप आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू जी की सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार बना दीजिए, दो ही साल में पोल्लावरम प्रोजेक्ट को हम समाप्त करकर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे. उम्मीद एपी ने चंद्रबाबू प्रथम स्थानों में निलपार अमित शाह गुर्त चंद्रबाबू चपटन अभिवृद्धि जगन अधोगति पट्टी विमर्शार 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को रोक कर रखा. आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया. मोदी जी ने 5 साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया. अरे राहुल बाबा और जगन गारू दोनों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया मगर दोनों नहीं गए. भाइयों बहनों मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? आंध्र प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, चंद्रबाबू जी संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे जब आंध्र प्रदेश को टॉप पर ले गए थे. आंध्र के विभाजन के बाद भी यहां फाउंडेशन डाला मगर जगन बाबू ने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर से उतार दिया है. डेवलपमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट स्टॉप है और अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है और आंध्र प्रदेश पर 13,50,000 करोड़ का कर्ज डालने का काम एक जगन बाबू की सरकार ने किया है. इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और लैंड माफिया की इंडस्ट्री फुल फ्लेज चल रही है. ये वादा खिलाफ है कि जगन सरकार है. उन्होंने कहा था शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे. मैं पूछने आया हूँ, लगाया क्या? उल्टा शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी. भाग्यश्री योजना तो चालू कर दी मगर पेमेंट नहीं होता है तो सारे लोगों ने
आरोग्यश्री के पेशेंट को हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया है। जगन बाबू ने रायलसीमा को इग्नोर किया है। मैं आपको कहने आया हूं, मोदी जी और चंद्र बाबू जी को जिता दीजिए। सिर्फ पोल्लावरम नहीं, हांड्री, निवास, सुजला, स्रौथी, बेलीगोंडा और वारिका, ये सभी इरिगेशन स्कीम को हम पूरा करेंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आंध्र की लोकसभा की 25 सीटें और विधानसभा में 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे एनडीए अलायंस को दीजिए। चंद्रबाबू नायडू जी को मुख्यमंत्री बनाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए।